वेलकम बैक टू स्टॉक्स बाओ यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन तो रिसेंटली देखा जाए तो स्टॉक ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है। कोई लेटेस्ट अपडेट है क्या, उसके ऊपर नजर डालेंगे। क्लोजो ऑफ ट्रेडिंग विंडो तकरीबन देख सकते कि तकरीबन 28 आज के दिन की बात है, यहाँ पे देख सकते सामने आ चुके, पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है रिसेंटली यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक के अंदर। पर बाकी के जो डिटेल है यहाँ पे देख सकते कि हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिगार्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते रिलायंस कम्युनिकेशन लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे जो सामने आ चुका है उसके ऊपर नजर डालेंगे। तो देख सकते कि लास्ट 2-3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है क्योंकि ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है, स्टॉक के अंदर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो देख सकते कि यहाँ पे जो अपडेट आया है वो उसके ऊपर नजर डालेंगे, जैसे कि क्लोज ऑफ ट्रेडिंग विंडो, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट फॉर टू प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन। आप भी पढ़ सकते हो, रिलायंस लिमिटेड कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट मॉनिटर एंड रिपोर्ट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी विल क्लोज फॉर द डायरेक्टर्स डिजिग्नेटेड एम्प्लॉइज एंड कनेक्टेड पर्सन कवर्ड अंडर द कोड फ्रॉम January 1, 2009 एंड विल ओपन आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंडिंग December 31। तो December 31 क्वार्टर एंडिंग के बाद यहाँ पे देख सकते कि January 1 के बाद यहाँ पे 48 आवर्स के बाद जो है ट्रेडिंग चालू होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, मीन्स फिर से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी 1 जनवरी के बाद। तो यही यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट देखने को मिले है रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर। रिसेंटली ट्रेडिंग तो बैन है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट रिलायंस कम्युनिकेशन स्टॉक के लिए।